सारे लफ्जों में कहां दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, हमारी लड़की फिनिश गॉन। काश मैं उनके साथ होता तो जबरदस्त मशवरे देता। सुबह तक बस आईपिक आईपिक का वजीफा पढ़ते रहेंगे और कह रहे हैं सो जाओ सुकून से, भला पॉसिबल है क्या? मुझे वाकई इश्क हो गया यार उससे। डर है कहीं तुम्हें खो ना दूं। हमारी जिंदगी के ऐसे खूबसूरत लम्हे में तुम जो बात कर रही हो क्या मतलब है? हयात मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम्हें खोने का डर तो मुझे होना चाहिए हयात प्रैक्टिस। असली डियर, क्या मैं तुम्हें बड़ी कह सकता हूँ? बड़ी? हाँ, अच्छा लफ्ज है। बड़ी बनने के लिए हमें कुछ रूल्स तय करने होंगे, तो क्या ख्याल है बात कर लें इस पर? बिल्कुल कर लेते हैं। तंबूला, रस्सा कशी, लूडो, हर गेम में तुम्हारी बड़ी बन सकती हूँ। कौन सा गेम खेलना है? देखो असली डियर, तुम्हें मेरा साथ देना होगा किसी अच्छी लड़की को सिंसियर फ्रेंडशिप की दावत देने के गेम में। इसमें? बिल्कुल, तुम साथ होगी तो मुझे बहुत फायदा होगा। मैं अपने तौर पर अगर किसी लड़की को अप्रोच करता हूँ तो शायद वो रिस्पॉन्ड ना करे, लेकिन अगर तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की बड़ी के तौर पर साथ हो तो काम बन जाएगा। तुम भी ना यार, मुझे लड़की दिखा दो बस, कौन लड़की है ठीक है, तुम्हारी दोस्ती करवा दूंगी दो मिनट में। असली नाम है मेरा, तुम देख लेना फटाफट, यानी बस ये काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ी जो बन गए हम दोनों, वाह बड़ी। बहुत अच्छा रहेगा बड़ी, तुम भी देखना बहुत एंजॉय करोगी। समझ आ गई होगी तुम्हें? बिल्कुल डियर बड़ी, समझ आ गई। तुम्हारे कामरान का फोन है फरीदे, फोन तो उठा ले। 50 बार फोन कर चुका है सुबह से। मेरी बला से 100 दफा फोन करे, कोई औरत कस्टमर आ जाए तो काम कम करता है और चपड़ चपड़ बातें ज्यादा करता है। वो आदमी ऐसा नहीं है, उसे तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती यार। पता है मैंने आपा, वो अभी अगर मेरे सामने आ जाए बालों से पकड़ के ऐसी पटकियां दूंगी, गुस्सा देखा नहीं है उसे मेरा। बिल्कुल तुम्हारा हक भी है, सही से दुर्गत बनाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, समझ रही हो ना? समझ गई, मगर फिर माफ भी कर देना फरीदे। हाँ अच्छा, ये जो बेचारा बच्चा है इब्राहिम, सुबह से चुप चुप है आज। वो हयात शहर से बाहर काम से गई है, लेकिन ये क्यों नहीं गया काम पे? अरे यूं ही कोई मामूली काम होगा, वो मामूली कामों को अहमियत कहाँ देता है। यानी हयात मामूली से मामूली काम के लिए भी घर से बाहर जा सकती है, मगर तेरा इब्राहिम लाडला बल्कि प्रिंस वो नहीं जा सकता? अरे ऐसा है कि दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है, हमें समझना होगा ये फर्क। गौर से सुनो मेरी बात, हमने हयात की बहुत आला तरबियत की है बचपन में, वो कोई आम लड़की नहीं है ठीक है, और तुम्हारा भतीजा इब्राहिम साहब बहादुर जो है ना, एक दिन इसकी नौकरी होती है अगले दिन नहीं। हाँ? कोई तरीका ही नहीं जिंदगी का, हमें अपनी बच्ची कोई भारी नहीं, बाज आए हम इस रिश्ते से, रखो अपना शहजादा अपने पास। ये जो भतीजा है ना मेरा, ये जो मेरा भतीजा है ना, दरअसल हीरा है हीरा, किसी ऐसी वैसी लड़की से वो शादी करेगा भी नहीं है। मैंने आपा मतलब मेरा मतलब अलबत्ता हयात अलग है, मगर इब्राहिम का जो जिंदगी का तजुर्बा है वो हयात का हरगिज नहीं है, इब्राहिम जैसा कोई नहीं है। चुप करो, अपनी जुबान बंद रखो, चुप कर जाओ बस अब। अच्छा हमें कोई शौक नहीं अपनी प्यारी बेटी के गले में फंदा डालने का फरीदे, अबे जा इसे दामाद बनाएंगे। उफ रहने दो आपा, तुम्हारी लड़की को खाना तो क्या एक ऑमलेट तक बनाना नहीं आता, पता है हाथ में मिक्सर लिए पुलाव पका रही थी किचन में खड़ी, भला कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी। फरीदे बेगम, फरीदे बेगम
तू कामरान की वजह से मेरी चांद जैसी बेटी पर कीचड़ उछाल रही है। लानत हो तुम पर, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बात बंद, तुझ जैसी औरत से मर के भी बात ना करूं कभी, आई समझ? अरे जाओ जाओ यहाँ से। तुम क्या मुझसे बात नहीं करोगी? मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, और आइंदा अपनी गंदी जबान से मेरे भतीजे का नाम मत लेना मोटी कहीं की। दफा हो जाओ तुम। प्यार लफ्जों में कहां, प्यार लफ्जों में कहां। कम ऑन बड़ी, फॉर हर टारगेट। क्या बात है, माशाल्लाह खूब है बड़ी, परफेक्ट फॉर यू। मुझ पे छोड़ दो तुम, देखो मेरा कमाल। चलो फिर देखते हैं बड़ी का कमाल। हाय, माय नेम इज दुरुक एंड दिस इज माय बड़ी असली। हाय हाय हाय, हाउ आर यू बेबी? यू आर सो स्वीट। Wanna join us? बड़ी तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, दोस्ती इस तरह नहीं होती। तुम रहने दो, ऐसा है कि कबाब की बात करते हैं, खाने पीने की बात, तो जरा देखते जाओ। हाय, हे, आर यू कबाब? हाँ, he's a kebab boy. यार असली तुम क्या बोल रही हो? यार मैं इसे घेर रही हूँ ना बड़ी, कबाब का लालच दे रही हूँ, देखना अभी असर होगा। ऐसा है, इसकी इंग्लिश असल में खराब है काफी, कमबख्त समझ ही नहीं आ रही। छोड़ो कुछ और आजमाए, डिस्को विस्को की बात करते हैं। यू नो मॉडर्न डांस वांस, आर यू डिस्को? डांस यानी डिस्को दीवानी? यार नहीं समझी, ये भी नहीं समझी। और क्या बात करो, समझ नहीं आ रहा। दुरुख कोई ट्रिक बताओ ना जल्दी से, तुम तो एक्सपर्ट हो इन चीजों के, जल्दी जल्दी बताओ ना इससे पहले कि ये चली जाए। तुम छोड़ दो, अब देखो यू आर सो हॉट। हाँ, he's a lady killer. Huh? Oh my god. Yes, he's a lady killer. यार बड़ी क्या कर रही हो, क्या कह रही हो? No. I am not a lady killer. Please don't misunderstand. No. He is. Peter, please help me. Please, Peter. Hey. What's happening? You terrified my sister. I will kill you, man. But not now. Get your friends too. I say get your friends too. We're gonna fight. ये क्या कह रहे हैं? ये इंग्लिश है असली डियर, वो मेरे साथ फाइट करना चाहता है। ओके डूड, रेडी? बाहर देखो बारिश शुरू हो गई है, कितना अच्छा लग रहा है ना। दो चार मिनट की है, अभी रुक जाएगी। यार मुझे इतनी भूख लग रही है, जी चाह रहा है कि तुम दोनों को भी खा जाओ। मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ ना, रात सोए नहीं ना ठीक से। बीच पर गए थे, वहीं सो गए। क्या कहने, इतनी रात को किस लिए गए थे वहाँ पे? मैं तो खुद मना कर रहा था कि मत जाओ इस वक्त। अच्छा जी, आपने नहीं कहा था कि बीच पर चलते हैं? जबरदस्ती लेकर गए मुझे। यार तुम बहुत खराब हो, मगर एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। ड्रीम जी, कहाँ थे तुम लोग? गौर से सुनो मेरी बात, अगर तुम में से कोई मेरी परमिशन के बगैर कहीं गया तो वो मुझे हिसाब देगा। वो इस वक्त जो हो गया है वो आपको बताने आए हैं, क्योंकि इस वक्त फॉरेनर से हमारे साथ साथ मुल्क के ताल्लुकात भी खतरे में हैं। क्यों, क्या हो गया? एक लड़की से हमने सलाम दुआ कर ली, उसका भाई आ गया कि तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी 2 बजे इसकी और उसकी फाइट तय हुई है। अरे कैसी फाइट? फाइट्स की तो मैं दीवानी हूँ। मस्कुलर बॉडीज, खून,
पसीना, जख्म बोल दिया ना मैंने, फिर जख्मों की मरम पट्टी, आउची आउची की आवाजें बहुत मजा देती हैं। क्या मसला है यार, बात करके खत्म करते हैं। यार वो समझ रहे हैं इस बच्चे का कोई वाली वारिस नहीं है, दुरुक को ठीक ठाक धमकियां दी हैं उन्होंने, अब हम पीछे नहीं हट सकते। मुल्क की इज्जत का सवाल है। आज हम उन लोगों को बता देंगे कि किस कौम से टक्कर ली है उन्होंने। आज पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरे फ्रेंड से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। लाशें गिरेंगी आज यहाँ, खून बहेगा बहुत। बिल्कुल। प्यार लफ्जों में कहा, प्यार लफ्जों में कहा। उफ़, ओ दीदम यार, कैसा पलटा खाया है वक्त ने यार। वो हयात की बच्ची तो घूम रही है मुराद के साथ पहाड़ों पर, कहीं लड़खड़ाई होगी तो मुराद ने थाम लिया होगा, और तुम दरख्तों से लिपट रही हो। उफ यार उफ, कब खत्म होंगे ये दुख के दिन, मैं किस हाल को पहुंच गई हूँ। लो भाई, मेरे लिए भी कोई आ गया। मुझे इस जिंदगी से तुम्हें निकालोगे इब्राहिम, तुम्हारी हयात को भी देख लूंगी बाद में। यहीं तो मिलने का कहा था उन्होंने, मगर यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, लगता है डरकर भाग गए वो। शर्त लगा लो मुझसे, यहाँ चारों तरफ झाड़ियों में छुपे हैं यकीनन। डरपोक बुजदिल, बुजदिल डरपोक। या अल्लाह हमें बचाना। बॉयज, ये सारे तो पूरी तरह मुसल्ला होकर आ रहे हैं और हम बिल्कुल खाली हाथ हैं। वो भाई ये क्या है, पागल तो नहीं हो गए? रिलैक्स रहो, घबराने की जरूरत नहीं है यार। भाई एक जरा सी बात हुई थी, उसका इतना बड़ा फसाद बना दिया इन लोगों ने, मुझे तो साइको लग रहे हैं बिल्कुल। इससे पहले कि ये लोग असला चलाएं, हमें फौरन कुछ करना होगा। हाँ, वो पुलिस का नंबर क्या है? हाँ, पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन पहले बात करके देख लेते हैं। So you guys want your ball back? मर गए भाई आज, देख लेना, बॉल को तोप के गोले की तरह इस्तेमाल करेगी ये। हमसे टकराने वाले बचते नहीं। Are you ready for the battle? Whoa. Yes, we are ready, but fight with bare hands. No weapons. Fight? With bare hands? With bare hands? I'm sorry, my friend, but we're not going to fight like animals. We were joking, as we have no friends. Just want to play a game for fun. And losing team, buy all drinks as usual. Okay? Okay. Bird the gun? Ha! This is air gun. पक पक। Do you know rope pulling? मैंने बहुत खेला है यार, कोई नहीं जीत सकता मुझसे, देखना ठक ठक सबको गिरा दूंगी मैं। Come on, I want to play game. Come on, hurry up. आज तुम लोग गए दोस्तों। 2 मिनट लगेंगे, बस 2 मिनट, इससे भी कम, देख ले। Hey Peter, you have no chance. We will bury you into the grass. ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। ओ हेलो दीदम, क्या हो रहा है यहाँ, कैसे? अरे यहीं तो रहता हूँ मैं। सच्ची में? ऐसा मजाक ना करो। वैसे मैं यहाँ नहीं रहती, आज बस दिल कर रहा था किसी नई जगह पर जॉगिंग करूँ, अचानक देखा सामने तुम, कैसा इत्तेफाक है, प्लेजेंट सरप्राइज ना यार। हाँ है तो। कितना क्यूट है यार, कैसे साथ साथ भाग रहा है, तुम्हारा है? नहीं,
समझो साथ है बस मेरे, मेरे साथ वॉक कर रहा है। तुम्हारी जॉगिंग खत्म हो गई? हाँ बस यार, काफी देर से कर रही थी। तुम्हारे साथ और वॉक कर लूं? हाँ क्यों नहीं। नीदो से प्ले फोर। ओके पीटर, मेरे बेरे दिल स्पीलम गिविनर। या सुनो इधर आओ, क्या कह रहे हैं ये लोग? मुझे क्या पता यार, तुम्हें तो समझ आ रहा होगा ना, सीवी पर तुम्हारी लिखा था कि फ्लुएंट इन जर्मन। हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम। ये कह रहा है कि लड़के पीछे होंगे और लड़कियां फ्रंट पर, और फिर झूठ मूठ से लड़कियां ढीला छोड़ेंगी, फिर लड़के एकदम से खींच लेंगे। तो ये प्लान है इनका? हाँ, और हमने तो चूड़ियां पहन रखी है ना, क्लासिक टेक्निक। तुम इन्हें बता दो हयात कि अगर गेम खेलना नहीं आता तो पहले टेक्निक सीख लें किसी से भी। चलो ये बता दो इन्हें, ओके? ठीक है। या हेलो जुंदी मैन है इमोशन फिलिप लुक या शा बीक हम पुकलम टुकलिश। हयात गेट्स द गुड या मुंशिक लह बह। लड़की क्या बोल रही हो, यानी कौन सी लैंग्वेज? या इवित शानीली बेते गुरते मो गया। मैं समझ गई, इश्क में पागल हो जाते हैं ना लोग। We need one player more. आ गई मैं। लेकिन एक पार्टनर की तो बाहर जरूरत होगी ना, ये है मेरा पार्टनर। सही कह रही हूँ ना डार्लिंग? ठीक है तो स्टार्ट करते हैं गेम। करीब। करीब जोर से खींचो, क्या कर रहे हो, जान नहीं है क्या? यार वो लोग इतनी पावर से खींच रहे हैं कि लग रहा है कि जान नहीं है मुझे बिल्कुल। खींचो, गिर जाएंगे हम। लगाते रहो। क्या खाते हैं ये लोग, देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। यहाँ बंद करो, जान लगाओ वरना वो लोग जीत जाएंगे। यस यस, आज हमें टीम वर्क चाहिए। आज दिखा दो अपना पावर, खींचो जोर लगा के। मैं तो एक हफ्ते में भी इतना नहीं खा सकता, असली को तो देखो कैसे खा रही है। देखो तो। क्या हुआ असली, बस हिम्मत करो थोड़ी देर और। इसे तो देखो यार। ख्याल में मैं ही खत्म कर लूं, छोड़ना बुरी बात है ना? अब तो सुनो, अब तुम्हारी भी रखती हूँ ना। वैसे एक बात है, तेरे सच्चा इनका। You win this time, but we will fight again, you know. Whenever you want, buddy. Well played, well played. बहुत बहुत My friend, I'm so sorry. Well done, अच्छा खेला तुमने, बहुत जबरदस्त, बहुत मुबारक। Good job. प्यार लफ्जों में कहां
यानी ब्रेकअप की वजह ये थी कि मुराद को दूसरी लड़की मिल गई तो मैं उसे बुरी लगने लगी? हाँ, दूसरी मिल गई तो पहली को छोड़ दिया। बहुत तकलीफ दे है दीदम, इंसान लेकिन ऐसे ही बदल जाते हैं। वक्त के साथ फीलिंग चेंज हो जाना गलत नहीं, फिर ये होता है कि कुछ नए इमोशंस पुरानों की जगह ले लेते हैं, इसीलिए अच्छे अच्छे ताल्लुकात टूट जाते हैं। मुराद के साथ ये मामला नहीं, कुछ और है, बल्कि वो इंसान ही ना रहे बहुत जल्द। क्या मतलब? कुछ ऐसा है, उसमें बहुत सी अच्छी क्वालिटीज थी जिनमें से कुछ शायद अब भी हों, लेकिन अब वो बहुत तेजी से नेगेटिव हो रहा है, बदला लेने वाला मुराद बन गया है। एक्साइटमेंट है उसका मसला। बहुत से लोग हैं ऐसे दुनिया में, शुरू में एक्साइटमेंट होती है फिर सब उलट जाता है। जैसे एक शिकारी जाल लगाकर शिकार का इंतजार करता है, लेकिन जब शिकार उसके जाल में फंसकर बेबस हो जाता है, उसकी एक्साइटमेंट अचानक ही ख़त्म हो जाती है और फिर उसे शिकार का वजूद बुरा लगने लगता है, हर शय, सब कुछ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है मुराद, ऐसा ही है। यानी अब देखो ना, हयात के लिए पार्टी अरेंज कर रहा है, रोमांटिक बातें कर रहा है, उसे प्यार से देख रहा है, मगर हयात से जैसे ही शादी होगी कैसे बिहेव करेगा फिर उसके साथ? मैं जानता हूँ हयात एक समझदार लड़की है, वो कभी ऐसा नहीं होने देगी अपने साथ। मैं भी जानती हूँ मुराद को, वो किसी को भी दिल से निकालने में एक मिनट भी नहीं लगाएगा। इस्तांबुल जाने से पहले हमें कुछ बातें तय करनी है लाजमी तौर पर। क्या बातें? ऑफिस का मामला, काफी सोचा है मैंने इस पर। जाहिर है अब तो मेरी असिस्टेंट के तौर पर तो काम नहीं कर सकता। तो इस बेस पर तुम मुझे फायर कर दोगे क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। लोगों की प्रमोशन भी तो होती है ना कंपनी में, क्योंकि मैं ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो एक असिस्टेंट के तौर पर काम करे। मुराद, मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में किसी को हमारे ताल्लुक का पता चले। कोई वजह? मैं कह रही हूँ ना, मान लो। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ हयात। हम स्कूल के बच्चे हैं क्या जो छुप छुप के मोहब्बत करेंगे? मैं अपनी जिंदगी की इतनी अहम बात छुपा नहीं सकता, ये मेरे मिजाज के खिलाफ है। आई नो तुम कहते हो मुझे जो करना है मैं वही करूँगा, दुनिया जाए भाड़ में, लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगेंगे, तब भी क्या यही कहोगे तुम? किसी की मजाल नहीं कि वो इतनी बात करे, जो ऐसा करेगा वो भुगतेगा। बस मैं नहीं चाहती ना, मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे? ठीक है यार, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्या समझूं मैं इस ठीक है से? एक्सेप्ट कर रहे हो या रिफ्यूज कर रहे हो? नहीं, मैं रियलाइज कर रहा हूं, जैसे तुम्हारी मर्जी। कॉल काट दो असली। अम्मी है? हाँ देख लिया। दुरुक हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट बात हो या दादी के साथ भी कोई मसला हो सकता है। असली डियर, यार मैं ड्राइविंग करते हुए फोन पर कैसे बात कर सकता हूँ, समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? अब क्या कहूँ मैं? I am sorry, auntie. बात सुनो दुरुग डियर, दुनिया में दो चीजें हैं जो बहुत तकलीफ दे हैं। पहली चीज आधी रात को आने वाली फोन कॉल्स, ठीक है, और दूसरी चीज है ये अम्मियों की फोन कॉल्स। हेलो, दुरुक से बात करनी थी मुझे। अम्मी बोल रही हूँ उसकी। मुझे मालूम है, बताने की जरूरत नहीं, और ना भी होता तो देखे ना, स्क्रीन पर इतना बड़ा बड़ा अम्मी लिखा नजर आ रहा था। ब्रावो, ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं असली नर्स, दुरुक की फ्रेंड, जो एक रात आपके घर पर सो गई थी। यानी गलती से?
और फिर सुबह शानदार सा नाश्ता किया था वहाँ, मतलब जैम था, मक्खन था, अंडे थे और पता नहीं क्या क्या। वैसे गांव में भी हम ऐसे ही जबरदस्त नाश्ता किया करते थे, मगर शहर में आकर आदतें बिगड़ जाती हैं। एक स्लाइस खाया, जूस पिया और भागे काम पर जाने के लिए। सुबह टाइम से पहुंचना होता है ना, जल्दी जो होती है। वो क्यों फोन नहीं उठा रहा? असल में वो उठा नहीं सकता। खैरियत, मेरे बेटे को क्या हो गया? नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक है। वेकेशंस पर था, अब इस्तांबुल वापस आ रहा है। बहुत एंजॉय किया। वेकेशंस पर था? वो है कहाँ? उसे फोन दो फौरन। उससे नहीं दे सकती क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है, हम सिला से वापस आ रहे हैं। असली ठीक, बंद करो, बंद करो। परेशान ना हो आंटी आप। वो ऐसा है दारिया आंटी, मैं फोन बंद कर रही हूँ। कर लेगा, उसे मालूम तो हो ही गया है। तो इजाजत, खुदा हाफिज, बाय बाय। यहाँ मरने वाली हो गई उसकी वजह से, और वो घूम रहा था सिला में, एक दो टके की नर्स की वजह से अपनी माँ को भूल गया। और कितना तड़पाएगा मुझे और कितनी अजियत देगा, मार कर ही छोड़ेगा ये लड़का मुझे। एक नफ्सियाती मरीज ही की कमी थी यहाँ, आज वो भी पूरी हो गई। प्यार लफ्जों में कहा, प्यार लफ्जों में कहा। ये क्या किया मैंने यार, क्यों किया ये? उन्हें बाय बाय किया, बाय बाय किया, उन्हें बाय बाय किया। वो मेरी क्लास फेलो है क्या, रूममेट है क्या, जो इतनी बेतकल्लुफ हो रही थी मैं उनसे। असली यार, इजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। क्या कह रही थी अम्मी? जाहिर फिक्र कर रही थी तुम्हारी दुरुक। हाँ जरूर फिक्र करेंगी मेरी। क्या हुआ है दुरुक? तुम्हारी अम्मी भी थोड़ी आपसे थोड़ी परेशान लग रही थी, क्या कोई मसला चल रहा है घर में? असली डियर, अम्मी से मेरा ठीक ठाक झगड़ा हुआ है, मैं तो उनसे बात भी नहीं करना चाहती। दुरुक डियर, वो तुम्हारी अम्मी है, अम्मियाँ कोई जानबूझकर गलत थोड़ी करती हैं औलाद के साथ। मगर उन्होंने किया है, ऐसा कुछ किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। हो सकता है, वो भी तो इंसान है ना, उनसे भी गलती हो सकती है, वो अजियत में होंगी तुम्हारी बेरुखी से। अम्मी तो दुनिया में सबसे बढ़कर होती है। दुरुक प्लीज समझो बात, ये लो उन्हें कॉल करो, ठीक है, उनसे बात करो, कुछ भी हो बाहर हाल तुम्हारी माँ है, बात करोगे तो हो सकता है जो भी रंजिश है वो खत्म हो जाए। बड़ी की बात मान लो, मान लो ना। हेलो दुरुक, मेरा बेटा, मेरी जान। आपने कॉल की थी अम्मी? फिक्र हो रही थी तुम्हारी, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। क्यों चले गया बेटा नाराज होकर? तुम तो मेरी जान हो बेटा, खुदा के वास्ते घर वापस आ जाओ। और अगर तुम्हें मुझसे नहीं करनी तो मत करना, लेकिन अपनी माँ के लिए घर वापस आ जाओ बेटा, प्लीज मेरा बच्चा। कल सुबह आता हूँ अम्मी जी, फिर बात करते हैं। सच कह रहे हो, घर वापस आ रहे हो कल? हेलो हेलो आलीन जी। दारिया मैम। दुरुक बाबा का कमरा साफ करो फौरन, हर चीज चमकती धमकती चाहिए मुझे। मेरा बेटा वो घर आ रहा है, दूर नहीं रह सकता वो अपनी मां से। खाली
जिंदगी जो थी मेरी वो तेरी हो गई। तू ही है मेरा जहां, तू ही मेरा ईमान। बस थाम ले ये हाथ मेरा, ना होंगे हम जुदा। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, मेरे बिना तू कुछ नहीं। दिल में बसी है बस तू ही, इस रूह में भी खुशबू तेरी। मेरी ये सांसें हैं तेरी, तेरी ये सांसें हैं मेरी। सपनों में आहट है तेरी, चाहत तेरी मुझ में बसी। मैं भी गहरी नींद, बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा। इश्क में तेरे को गया और तेरा हो गया, अब तू ही मेरी। सब तो यकीनन मैं ही होंगी ख्वाब में। और तू ही है खुशी, तू ही है मेरा। ऐसा कुछ नहीं, और भी खूबसूरत चीजें हैं दुनिया में। ओके, 6:47 बाद में। गुड नाइट। और कब तक भागोगी तुम हयात? किससे? मुझसे बात करने से। जब से वापस आई हो मुझसे दूर हो मुसलसल। ये छुपन छुपाई का खेल कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं तो किसी से दूर नहीं भाग रही हूं, बल्कि इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आ रही थी। अच्छा, प्यार लफ्जों में कहां, प्यार लफ्जों में कहां। अरे दादी जान, इस वक्त आप कैसे आ गए? खैरियत तो है, नींद नहीं आ रही आपको? वाह 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 दादी जान, आप गरीब खाने को रौनक बख्शी आपने, मगर इस सरप्राइज की वजह तो बताएं। हाँ, इतनी बेचैनी हो रही थी तुझसे बात करने की। चल बैठकर सब बता मुझे, सुबह तक खूब बातें करेंगे। चलो चलो बच्चों, दोनों आ जाओ। शाबाश, आ जाओ जल्दी से, बैठो, बहुत सी बातें करनी है। तुम दोनों से जानना है क्या क्या कुछ हो गया है। तू बता, हयात से बात कर ली तूने मुराद? निकाह की तारीख रख लें फिर हम। वो मीठा करो ना, ये लो खाओ। दादी जान आराम से, एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। यानी बात तो हुई है, बस बात ही हुई। भाई क्यों छुपा रहे हैं? द्रोक यार, दादी जान इतनी दूर से आई हैं सुनने। हाँ दादी जान, इन्होंने बात कर ली है। अरे क्या बताऊँ, ये आदमी तो पूरा रोमांटिक प्रिंस है। अगर किसी की कमी है तो एक सफेद घोड़े की। सब कुछ ऐसे हुआ जैसे कहानियों में होता है, बड़ा ही शानदार। कसम से अगर ये मुझसे कहते तो मैं भी तैयार हो जाता शादी के लिए। अरे सच्ची, मुझे यकीन था ये ऐसा ही करेगा। अरे दादी जान, वैसा भी कुछ नहीं है। नॉर्मल अंदाज से बात की मैंने, और उसने भी नॉर्मल अंदाज से मुझसे बात की।
रहने दें भाई जान, अल्लाह को मुंह दिखाना है, मान भी जाए। यार इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? अच्छा मैं समझ गया, मेरे बाद तुम्हारी बारी आनी है ना दादी जान, इसीलिए बेचैन हो रहा है। वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई जो नर्स है, माशाल्लाह बहुत सआदतमंद, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी रहेगी। अरे नहीं दादी जान, मतलब ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं, बस दोस्त हैं अच्छे। झूठ है बिल्कुल दादी जान, झूठ, सफेद झूठ। पहले जो तुम्हारी फ्रेंड्स थी उन सबसे मुख्तलिफ है ये लड़की। यार मगर अगर मगर कुछ नहीं, कहता है हम अच्छे दोस्त हैं बस। दोनों की शादी साथ करेंगे, दो दुल्हनें साथ आएंगी इस घर में। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये खुशी का दिन दिखाया तूने, बकरा कुर्बान करूंगी। अच्छा अब ये मिठाई तो खाओ तुम दोनों। दादी है भी मुँह में। ले तू तो ले। जानता हूँ यू आर इन लव, तुम्हें देखकर बच्चा भी बता सकता है। ऊपर से वेकेशंस पर चली गई उसके साथ, जो रही सही अकल थी वो भी खप कर आई। क्या मतलब है इब्राहिम, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं मालूम? यार अभी तो मालूम ही कुछ नहीं, ना तुम्हें ना मुझे कुछ नहीं मालूम। मुराद के बारे में हम कुछ नहीं जानते, यानी औरतों से उसका बिहेवियर कुछ खास अच्छा नहीं रहा माजी में। हाँ मगर अब ऐसा नहीं, वो सब माजी के किस्से थे, मुराद मुझे कभी दुख नहीं दे सकता। तुम्हें यकीन है? ये मेरी फीलिंग है। यकीन होना और यकीन की फीलिंग होना अलग अलग बातें हैं, दोनों में बहुत फर्क है। तुम्हें कुछ पता चला है तो मुझे बताओ प्लीज। देखो कुछ अरसे पहले मैं भी ऐसी ही कैफियत में था, फिर समझ नहीं आता क्या हुआ, हमारी 2 साल की शादीशुदा जिंदगी देखते ही देखते दबाव बर्बाद होकर रह गई, हर चीज हर शय खत्म हो गई। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जो भी कदम उठाओ बहुत एहतियात और सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि मुराद ने तुम्हें तकलीफ दी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज तो इतना अच्छा नाश्ता करवाया आपने, थैंक यू अम्मी जान। अरे फरीदा आंटी ने तो नाश्ता किया ही नहीं, मैं बुलाती हूँ। छोड़ दो असली छोड़ दो, जो टेबल पे आने में नखरे दिखाएगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा। यानी बाय चांस दोनों में कोई प्रॉब्लम हो गई है, शायद बातचीत भी बंद है, खैरियत क्या हो गया? अरे कुछ हुआ भी है तो दफा करे मत करे ऐसे आंटी। जाने दो, किसी इंसान के बारे में बात करके सुबह सुबह मैं अपना मूड बिल्कुल खराब नहीं करना चाहती। जाने दो बस, छोड़ो बस, लानत भेजो। ओए मेरी शहजादी कितनी प्यारी है तू, एक बात तो बता। जी बोले अम्मी। इतनी प्यारी क्यों लगने लगी है, हैं क्या मामला है आखिर? हाँ चल अपनी माँ को तो बता दे, वापस आकर कुछ बदली बदली सी है। हाँ? ओहो अम्मी क्या होना है? ये जो तेरी आंखों में जो एक नई सी चमक है ना, और तेरी गालों पे जो खूबसूरत सी सुर्खी है, झमक झमक करके पूरे चेहरे से झिलमिला रही है माशाल्लाह, ऐसे तो नहीं थी पहले? यूं ही लग रहा है आपको? ना ना ऐसे तो नहीं है। अच्छा समझ गई मैं, आबो हवा तब्दील होने का असर है शायद। मेरी शहजादी कुर्बान हो जाऊं मैं तुझ पर हयात। ये कॉल मुझे अटेंड करनी होगी, मुराद सर है, बॉस है। जी जनाब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है? नाश्ता। ओके तो फिर रेडी हो ना। किस लिए? यही कि मैं थोड़ी देर में तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। ओ नहीं। क्यों? क्योंकि आसपास के लोगों ने अगर हमें साथ में देख लिया तो वो इस बात को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझेंगे। कम ऑन, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। किसी को क्या, यानी अगर दो इंसान एक दूसरे को चाहते हैं तो फिर लोग चाहे कुछ भी कहते रहे। कल हमारी बात हुई थी ना मुराद, लव अलग और काम अलग, एक सेपरेशन रखनी होगी हमें, और प्रोफेशनली भी यही सही रहेगा यकीनन। अच्छा अब मैं लेट हो रही हूँ, ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है मुराद? ओके ओके ठीक है यार। प्यार लफ्जों में कहा।
असिस्टेंट का टाइम बॉस के आने से पहले शुरू हो जाता है। उसने तुम पर एक ट्रिक आजमाई और तुम फंस गई। उस पर ट्रिक आजमाओ और उसे कोई बहुत मुश्किल सा चैलेंज दे दो। मैं आपकी तरह लोगों को उनके पेशे के लिहाज से देखकर दोस्त नहीं बनाता अम्मी। हुआ क्या है मुराद? जो डिसाइड हो गया वो हो गया बस। तो ऑफिस टाइमिंग में कोई हम तुम नहीं, बस आप जनाब चलेगा। मुझे लगता है औरतों के जज्बात से खेलना ही उसकी फितरत है। देखो मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ यार। हाँ मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता ऐसा।